हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियरिंग एकेडमी। तो चलिए हम बात करेंगे रैपिड चेक के बारे में, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप सीख गए थे कि एचसीएफ दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक हमारा रैपिड मेथड होता है, एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक हमारा डिवीजन मेथड होता है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे आपके पास जो सबसे पहला एक्सरसाइज आया हुआ है रैपिड चेक 4 के नाम से है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 18 यहाँ पे लिखना है कि 6 एंड 18 का कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 6 और 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा और 18 भी होगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3, 6, 6 तक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। उसके बाद कहता है कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20, तो 10 का फैक्टर निकाल लीजिए, तो 10 का फैक्टर आ जाएगा 1, 2, 5, 10 और 20 का फैक्टर निकाल लीजिए, तो 20 का आ जाएगा 1, 2, 5, 10, 20। तो 1, 2, 5, 10 तक जो है ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1, 2, 5, 10, ठीक है एंड 10। उसके बाद आपसे कह रहा है कि एच सी एफ ऑफ 4 एंड 22 निकालिए। तो 4 एंड 22 का एच सी एफ हमें निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर, देखिए जहाँ पे छोटा नंबर हो ना तो वहाँ तो आप फैक्टराइजेशन को यूज कर लिए, जहाँ पे लगता है कि नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया उसको डिवीजन मैथड से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइज, तो क्या निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 और 22 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब इसमें कॉमन निकालिए, तो इसमें हाईएस्ट, इसमें कॉमन क्या है, एक ही 2 है जो कॉमन है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इसका सीधा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 6 एंड 48 का निकालना है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या निकलेगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 और 48 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 24 दुनिया 48 होता है, तो फिर से आप यहाँ पे 24 लीजिए, 24 में क्या हो जाएगा, फिर से 2 लीजिए तो 12 दुनिया 24 होता है, फिर 12 भी आ गया तो 6 दुनिया 12 होता है, तो 6 हो गया तो 3 दुनिया 6 होता है, तो ये हो जाएगा, तो 3 दुनिया 6 दुनिया 12 दुनिया 24 दुनिया 48। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, तो इसमें देखिए कॉमन हो गया, एक तो आपका ये कॉमन है और एक आपका ये 3 भी कॉमन है यहाँ पे, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 6 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका रैपिड चेक 4 हो गया। तो अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।